हेलो दोस्तों, मैं हूं गुफरान उस्मानी। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एमजी एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्रों में घर बनवाते हैं तो उनको बालू, मोरंग या गिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो जो ट्राली के माध्यम से या ट्रक के माध्यम से इन चीज़ों को लाते हैं तो इनकी मापन कैसे की जाती है, इनकी खरीदारी जो होती है, ये इनकी बिक्री घन फिट के हिसाब से होती है, तो हम इनको मापन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो ट्रक होती है, ट्राली होती है, इनको इनके शेप के आकार में हम समझते हैं कि इनका जो शेप होता है दोस्तों, बिल्कुल ट्राली की जो शेप होती है या ट्रक की, बिल्कुल इस आकार में होता है। इनमें आपकी तीन चीज़ें होती हैं, एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो आपकी जो लंबाई होती है दोस्तों, आपका ये पार्ट जो फ्रंट में दिख रहा है, ये आपकी लंबाई होती है, और ये पार्ट आपका जो होता है ऊंचाई होती है, और ये पार्ट आपकी चौड़ाई होती है। तो दोस्तों, इनको हम कैसे नापते हैं, इनका मापन कैसे करते हैं? तो इनको इनके बाहरी पार्ट से नहीं नापते हैं, क्योंकि अगर हम बाहरी पार्ट से इनका मापन करते हैं तो इंच में जो है कुछ अधिकता आ जाती है, एक दो इंच इधर, एक दो इंच इधर। तो इनको मापने के लिए इनके इंटरनल पार्ट को, जैसे इनकी लंबाई मापनी है तो इनके इंटरनल पार्ट से इंटरनल पार्ट को हम माप लेते हैं, और इनकी चौड़ाई ऐसे माप लेते हैं, और गहराई मापने के लिए आप इनकी इनमें कोई सरिया या सरिया डालकर आप जितना इनमें माल है ऊंचाई तक, वहाँ पर एक मार्क लगा देते हैं और निकाल कर माप लेते हैं। तो अगर हम देखें कि एक ट्राली ली हमने और उसकी माप की, जैसे मान लो ट्राली हमने ली और उसकी लंबाई आई 11 फीट 8 इंच और चौड़ाई 5 फीट 6 इंच और ऊंचाई 2 फीट 1 इंच। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो आपकी फिट और इंच है, इनको सबसे पहले एक यूनिट में हम इनको नाप लेंगे। जैसे 11 फीट 8 इंच है तो इनको पहले हम इंच में बदल लेंगे। तो आप जानते हैं कि एक फीट में आपके कितने इंच होते हैं, 12 इंच। तो 11 फीट में 11 × 12 इंच हो जाएंगे, तो 11 × 12 आपके हो जाएंगे 132, और आपके 8 इंच और हैं तो 11, 132 और 8 आपके 140 कुल मिलाकर इंच हो गए। ऐसे चौड़ाई 5 फीट 6 इंच है, तो 5 फीट में आपके कितने इंच हो जाएंगे, 5 फीट में आपके 5 × 12 आपके 60 इंच हो जाएंगे, और 6 इंच और इनमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कुल मिलाकर 66 इंच हो। और ऐसी ऊंचाई 2 फीट 1 इंच, 2 फीट बराबर कितना हो जाएगा आपका, 24 इंच और 1 इंच। तो इनको हम माप लिया, आपका आ गया 25 इंच। अब जब इनको इनका जो वॉल्यूम होता है दोस्तों, वॉल्यूम का मतलब आयतन, यानी कि इस ट्राली में कितना माल भरा हुआ है, तो जब इनको तीनों को हम गुणा कर देते हैं तो इनका वॉल्यूम आपको आ जाएगा। तो वॉल्यूम इनका यानी कि घनाभ, ये जो ट्राली होती है दोस्तों, ये घनाभ के आकार की होती है, जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, उनको घनाभ कहते हैं। तो इनका आयतन हम निकाल लेंगे, आयतन निकालने से ये पता चलेगा कि इनमें कितना माल भरा हुआ है। तो जैसे आपका 140 इंच लंबाई, चौड़ाई 66 इंच और 25 इंच आपकी ऊंचाई है। अब इन तीनों को हमने इंच में बदल लिया है तो आपका जो निकल कर आएगा ये घन इंच आएगा। लेकिन दोस्तों, जो बिक्री होती है वो घन फिट में होती है, कि एक घन फिट आपको, जैसे मोरंग है, एक घन फिट आपका 75 रुपये का, 70 रुपये का या 60 रुपये का, जो आपका रेट मार्केट रेट चल रहा है। तो इनको हम इंच को बदल देंगे किसमें, फुट में। तो फुट में बदलने के लिए 140 इंच है, इनको फुट में बदलने के लिए आप 12 से भाग कर देंगे। वैसे ये भी है, देख, इनको भी हम क्या कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, इनको भी 12 से डिवाइड कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये 3 बार लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, इसलिए 3 बार हम तीनों को फुट में बदलेंगे। तो 12 × 12 × 12 आपका जो ये होता है 12 × 12 × 12, ये 1728 आ जाएगा जब गुणा करेंगे, और 140 और इनको पूरा आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 231,000। जब 1728 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 133 घन फुट। तो 133 घन फुट आपका आ गया कि ट्राली की जो आपका वॉल्यूम है, आयतन है, 133
33 फीट। अब मान लो मार्केट रेट चल रहा है कि एक घन फीट में आपको 60 रुपए का हिसाब से दे रहे हैं, तो आप निकालेंगे कि 60 घन फीट आपने मान लो लिया, तो 60 घन फीट का मूल्य आप 60 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 8020 रुपए। लेकिन होता क्या दोस्तों कि जब वहां बात करके आते हैं कि आपको 60 रुपए के हिसाब से दिया जा रहा है, लेकिन जो माल आपके यहाँ पहुंचाया जाता है, तो मान लिया कि आपको लंबाई में 2 इंच कम कर दिया, चौड़ाई में 1 इंच कम कर दिया, ऊंचाई में 1-2 इंच कम कर दिया, तो मान लो पूरा जब कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद में जो आपका आंकड़ा आया, मान लो कि आपको 6 घन फीट की कमी आ गई, तो आपको 6 घन फीट की जब कमी आ गई तो 6 घन फीट का मूल्य कितना हो जाएगा, 6×60 = 36, यानी ये 360 रुपए का माल आपको घपलाबाजी हो गई, तो 360 रुपए का माल आपको कम मिला। तो यही है दोस्तों, चाहे वो ट्रक हो और चाहे ट्राली हो, सबको मापने का मेथड एक ही है, और आप पहले मार्केट रेट को तय करके देख कर आप जान सकते हैं, उसके बाद में बहुत ही आसानी से इनका आप मेजर कर सकते हैं और एक्यूरेसी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जो आपको दोस्तों पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इससे संबंधित और भी आपको क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, हम उन प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।